नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज के दौर में जिस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस तरह हमारा खाना पीना हो गया है, उसने हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है। लेकिन शरीर में सबसे अहम दिमाग को माना जाता है। दिमाग से ही इंसान सही गलत में फर्क समझ पाता है। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दूषित पानी ने लोगों के दिमाग में एक नई तरह की बीमारी को जन्म दे दिया है। एक ऐसे अमीबा की खबर सामने आ रही है जो दीमक की तरह इंसानी दिमाग को चट कर रहा है। इस अमीबा का नाम नेगलेरिया फाउलेरी है। खबर है कि ये अमीबा अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों और उत्तरी इलाके में अपने पैर फैला रहा है, जिसने यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये हैरान कर देने वाली बीमारी जलवायु परिवर्तन की वजह से फैल रही है। आपको बता दें, इस रहस्यमय बीमारी का पहला मामला टेक्सास से सामने आया, जहां एक बच्चे ने इस अमीबा के चलते अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अमेरिका में दिमाग को खाने वाली इस बीमारी के बारे में सुनकर सनसनी फैल गई। इसके बाद जब जांच की गई तो जो अमीबा उस बच्चे के दिमाग में मिला, वो ही उस इलाके के पानी में भी मिला। इस अमीबा पर जांच करने वाली सेंटर्स फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के मुताबिक संक्रमण के मामले अब तेजी से फैल रहे हैं। CDC के अनुसार ये संक्रमण नाक से इंसान के अंदर पहुंचता है। ये अमीबा नाक के परतों से शरीर में प्रवेश करता है और फिर दिमाग में घुस जाता है, जिससे इंसान के दिमाग में बहुत तेज माइग्रेन, हाइपरथर्मिया, गर्दन में अकड़न और उल्टी जैसे लक्षणों के बाद चक्कर आना, बहुत ही ज्यादा थकान, भूलने की बीमारी, मति भ्रम जैसी परेशानी आने लगती है। बड़ी बात यह है कि संक्रमण के 12 दिनों के बाद इंसान की मौत हो जाती है। आपको बता दें, इस अमीबा को रोकने के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं, लेकिन भारत में अभी इस अमीबा के संक्रमण को लेकर कोई खास तैयारी दिखाई नहीं देती। भारत में अभी भी गांव देहात के इलाकों में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अब इसे लोगों की मजबूरी कहिए या फिर सरकार की नाकामी कि भारत के लोग आज भी देहात इलाकों में साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह एक इंसान से दूसरे इंसान को संक्रमित नहीं करती है। अमेरिका की रिपोर्ट की माने तो साल 2010 से लेकर 2019 तक इस संक्रमण के केवल 34 मामले ही सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस संक्रमण से मरने वालों की दर 97% है। मतलब साफ है कि अगर इंसान इस अमीबा से संक्रमित होगा तो फिर उसका बचना मुश्किल है। बड़ी बात यह भी है कि अभी तक इस बीमारी की मौजूदगी की पहचान का कोई टेस्ट नहीं बन सका है। वहीं जब तक लक्षण प्रमुखता से दिखते हैं, तब तक मरीज की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो बच नहीं पाता। तो दोस्तों, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आपको भी अपना जीवन सही तरह से बिताना है तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, साफ पानी ही पीजिए, ताकि ये अमीबा आपके दिमाग को ना खा पाए और आपकी जान सही सलामत रहे।